Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 3rd January. As you know, आज संडे है, संडे को हमारा स्पेशल फोकस रिविजन पर भी रहता है, तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे प्लस फुल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे सेम वीडियो में. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो यू हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ. सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप पर जाके चैनल का नाम सर्च करना, नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन करना. सारे PDF आपको टेलीग्राम ऐप पर एक साथ मिल जाते हैं. आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ज़रूर प्रेस कर ले. तो शुरू करते हैं फिर. सबसे पहले एज यूजुअल जो आपके लिए डेली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर में से ये जो सीरीज चलाई जा रही है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्रिकेटर नाजीब तारक आई हु पास्ड अवे इन रोड एक्सीडेंट, यू हैव टू आंसर कि कौन सी कंट्री के लिए क्रिकेट खेलते थे. सेकेंड वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन. ओके, ऑन विच डे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व. हु हैज बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क फॉर सौंफ फेनल सीड विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. मधबी पुरीबच इज द फर्स्ट फुल टाइम मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. वट इज द ब्रांड नेम गिवन टू इंडियाज प्रीमियम कॉटन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कॉटन डे. Which country has successfully test-fired Sirkon hypersonic cruise missile? Who has been given the additional charge of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution? And which state has launched Mukhya Mantri Sor Savrozgar Yojana? इनके answers मैं share करूँगा at the end of the video. तो अब शुरू करेंगे सबसे पहले आज के important current affairs. Okay, now let's start today's important current affairs. As you know, Sunday को special focus revision भी है. So questions आज के इस format में रहते हैं. सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, उमेश सिन्हा. इन्हें नेम्ड डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नाम आप याद रखेंगे. आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम जानते हो सुनील अरोरा. हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी हैं, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, राजीव कुमार एंड सुशील चंद्रा. ओके, एंड सिन्हा जी की बात की जाए, उमेश सिन्हा जी की बात की जाए, 1986 बैच IAS ऑफिसर रिटायर्ड एंड इज प्रेजेंट सर्विंग एज अ सेक्रेटरी जनरल इन द कमीशन. तो उमेश सिन्हा नाम याद रखेंगे. नाउ कमेंट डाउन, हमारी इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कमेंट डाउन, लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर कर पाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, द बुक टाइटल वहाना मास्टर क्लासेस लॉन्च्ड बाय इटालियन राइटर अल्फ्रेडो कोविली. ओके, इनके द्वारा इस बुक को ऑथराइज किया गया. इस बुक में हमारे लॉर्ड गणेशा, उनके साथ अपने उनकी बचपन की कहानियाँ जो बच्चों के साथ बीती हैं, तो इसके रिलेटेड ये बुक है वहाना मास्टर क्लासेस. ऑथर का नाम याद रखिएगा, अल्फ्रेडो कोविली. ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेजेंडरी उड़ीसा के म्यूजिशियन शांतनु महोपात्रा. इनका निधन हो गया, ये आप याद रखेंगे. भारत बायोटेक कोवैक्सीन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, इनको एमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल के लिए इंडिया में मंजूरी दे दी गई है. इसके ट्रायल्स भी चल रहे हैं, लगाई भी जा रही हैं वैक्सीन्स. ओके, माना जा रहा है कि 90% से अब वो इनकी जो ठीक करने की क्षमता है. भारत की बायोटेक कंपनी द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन एंड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, इन दोनों वैक्सीन्स को अब अप्रूवल के लिए मंजूरी दे दी गई है इंडिया में फॉर COVID-19. इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. देन इसके बाद द फर्स्ट लाइन ऑफ एंथम, ऑस्ट्रेलियंस ऑल लेट अस रिजॉइस फॉर वी आर यंग एंड फ्री विल नाउ बी एंडिंग विद 1 and 3. यू नो, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा अमेंडमेंट किया गया, कुछ लाइन्स में चेंज की गई नेशनल एंथम में. ओके, ये जानकारी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन द्वारा दी गई. तो याद रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ने अपने नेशनल एंथम में चेंजेस की अमेंडमेंट किया. ओके, तो ये आपने याद रखना. देन उसके बाद एक्शन अगेंस्ट व्हीकल फ्लैशिंग कास्ट नेम्स इन उत्तर प्रदेश. अब इसके लिए भी एक लॉ बना दिया गया, आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है. अब इसमें क्या क्या एक्शन लिया जाएगा? अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं तो उनकी उन्होंने लिखा होता है, आप देखते हो ब्राह्मण, किसी ने लिखा होता पंडित, किसी ने लिखा होता सिख, इस तरीके के अपने रिलीजन मैंशन किए होते हैं. बट अगर आप UP में कोई ऐसा फिर करेगा तो उसको चलान भी काटना, उसका चलान कट सकता है एंड उसकी गाड़ी भी सीज की जा सकती है. ओके, तो ये आपने याद रखना. आप UP में ऐसा कोई नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं करना चाहिए, बट UP ने इसमें प्रॉपरली एक लॉ बना दिया,
आप अपना कास्ट कहीं मेंशन नहीं कर सकते अपनी व्हीकल पे, चाहे बाइक पे चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो। द नेक्स्ट इज इंडिया बिगेन इट्स 2 ईयर टर्म एज ए नॉन परमानेंट मेंबर फ्रॉम 1st of January। इन्होंने स्टार्ट कर लिया इंडिया को 2 साल का जो ये टेन्योर है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड दिस इज़ द 8th टाइम कि हमें ये पावर मिला। लाइक अब इसमें इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, इन 2 सालों के बिटवीन हम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ एज ए प्रेसिडेंट भी सर्व करेंगे। ओके, इन अगस्त 2021 एंड अगेन इन द अगस्त 2022। अब ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है, अल्फाबेटिकली जिसका नाम आया उस हिसाब से उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो इंडिया का जो रहेगा जी अगस्त 2021 में प्रेसिडेंट बनेगा, एंड फिर से अगले साल अगस्त 2022 में फिर से प्रेसिडेंट बनेगा जो टेन्योर 2 महीने का प्रेसिडेंट भी रहेगा। ओके, एंड इंडिया बिगिन इट्स 2 ईयर टर्म एज नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इन प्रेसिडेंट 2 मंथ्स कौन कौन से रहेगा, अगस्त 2021 एंड अगस्त 2022, याद रखिएगा। एंड नाउ देखो, अब ये क्वेश्चंस जो डेली आपसे पूछे जाते हैं आपके, हम वैसे आज आपको लाइक कंपाइलेशन मिल रहा है वीकली, तो ये क्वेश्चंस आप खुद ही देखेंगे। आप पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगे, एंड जो डेली क्वेश्चंस आपके लिए रहते हैं स्टैटिक वाले वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। नाउ शुरू करते हैं फिर आज का आपका रिविजन। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेडनेस डे इज ऑब्जर्व, फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया गया, तो कौन सी डेट को ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर इज 27th दिसंबर। आप खुद कोशिश कीजिए आंसर्स बताने की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया, निंदा बनर्जी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल COVID-19 सभ्यता के संकट और समाधान, यानी कि COVID-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सोल्यूशन। सो ऑथर ऑफ दिस बुक इज कैलाश सत्यार्थी। ओके, पीआरएस इनसाइट मोबाइल ऐप एंड पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पंजाब। एंड अब देखो सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये आप खुद देखेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम ऐसा कर चुके हैं। एंड पंजाब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पंजाब के इंपॉर्टेंट अपन जो याद रखने। इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी टू बी सेटअप इन विच इंडियन स्टेट, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। फीफा हैज कैंसल्ड मेंस अंडर 20 एंड अंडर 17 वर्ल्ड कप जो 2021 में होने वाले थे, कोरोना वायरस की वजह से इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ओके, एंड अब ये 2023 में होंगे। विच इंडियन स्टेट विल बिल्ड इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, तो कौन सा इंडियन स्टेट बनाएगा जी, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। नाउ थोड़ी जल्दी भी करते हैं, ओके बाकी ये स्टैटिक डिटेल्स आप देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप रैंक्ड कंपनी अमंग द 100 बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज इन द कंट्री, सो दिस लिस्ट हैज बीन टॉप्ड बाय HDFC बैंक। नीति आयोग लॉन्च इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट एसेस मैनेजमेंट एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म। जैसे आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हो, नाउ आप डीजी बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो फॉर क्लाउड स्टोरेज। तो याद रखिएगा डीजी बॉक्स 20 GB तक आपको स्टोरेज फ्री मिलेगी। ओके, जॉन एडरिच पास्ड अवे, आपको बताना है किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे, क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर। लेजेंडरी उर्दू पोइट एंड क्रिटिक शमशूर रहमान, इनका निधन हो गया जी, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा एक 15 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लेट फॉर्मर अटल बिहारी वाजपेयी जी अनवील्ड किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ 96 बर्थ एनिवर्सरी। गुड गवर्नेंस डे भी हम 25th दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ये आंसर्स जो क्वेश्चंस थे। And who has won ICC Spirit of the Cricket Award of the Decade? तो ये सम्मानित किए गए जी हमारे महेंद्र सिंह धोनी। Okay, the Income Tax Department has introduced which initiative to for smoothing of ITR filing experience for taxpayers? अब 10th of January तक डेट एक्सटेंड भी कर दी गई है इनकम टैक्स रिटर्न की, तो लाइक जल्दी प्रोसेसिंग के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, झटपट प्रोसेसिंग।
According to the Lancet study, around how much deaths in India occurred due to air pollution in 2019? 1.67 million is the correct answer. Which company has won Best Cybersecurity Brand Award 2020? Russian company. Kaspersky is the correct answer. Which state in partnership with United Nations Women to establish country's gender data hub? तो ये बनाएगा जी केरल. What is the name of world oldest giant panda who passed away recently? Yingxing is the correct answer for this question. Okay, which company is going to develop world largest zoo in Jamnagar, Gujarat? ये बनाने जा रहा जी रिलायंस. अनंत अंबानी, उनके मुकेश अंबानी जी के बेटे, उनका ये प्रोजेक्ट है, ये बनाएंगे इसको गुजरात में. ओके, ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजेशन इज इन न्यूज. यू हैव टू आंसर इज अ क्लोजर अपेयरेंस ऑफ फिज टू प्लैनेट्स. 800 साल बाद ये प्लैनेट्स इतने नज़दीक आए, तो दो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर एंड सैटर्न. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच परसेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट टू होम सर्विस. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 100%. नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड ए लॉ फॉर केमिकल कैस्ट्रेशन ऑफ रेपिस्ट. इसमें क्या है कि जो भी रेपिस्ट होगा उसको ऐसी मेडिसिन दी जाएंगी जो उसकी सेक्सुअल पावर को कम करेगा. ओके, सो दिस लॉ हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय पाकिस्तान. कश्मीरी फ्लाई कैचर बर्ड, ये कौन सी स्टेट और यूटी का बर्ड है जी, डिक्लेयर किया गया रिसेंटली. ब्लैक नेक्ड क्रेन इससे पहले था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का बर्ड, नाउ कश्मीरी फ्लाई कैचर बर्ड जो रहेगा जी जम्मू एंड कश्मीर का बर्ड. ओके, एंड एक चीज और गाइज, यहाँ आपको थोड़ी सी शेडिंग दिख रही होगी ये कुछ क्वेश्चंस में, बट डोंट वरी, आपको पीडीएफ में सारी चीजें क्लियर मिलेंगी. हुई सेट टू बिकेम द इंडियाज यंगेस्ट मेयर फ्रॉम केरल, कौन बनने जा रहा है जी, आर्य राजेंद्र. नाउ मेयर की पोजीशन जो भी म्यूनसिपल डिपार्टमेंट रहता है, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, तो उसकी सबसे बड़ी पोजीशन मेयर की होती है. ओके, सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है, हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल पोजीशन. हुज बिकेम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजीव शुक्ला. फ्लोरिन सीटू हैज बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, रोमानिया इज द करेक्ट आंसर. ओके, हु हैज बीन नेम्ड एज आईसीसी मैंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विराट कोहली. इनको सर गेरफील्ड सोबर अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड से भी सम्मानित किया गया, एंड आईसीसी मैंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड से भी सम्मानित किया गया. एंड कुछ बाकी डिटेल्स भी यहाँ आपको मिल जाएंगी, ये आप चेक कर सकते हैं. ओके, आशु मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो ये हैं जी रेसलर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मलय्यादुथुरा इज द 30th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर. ओके, करंट अफेयर्स ऑफ तमिलनाडु भी आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस निमोनिया वैक्सीन, सो नेम ऑफ दिस वैक्सीन इज निमोनोसोइल. निमोनोसिल इज द नेम ऑफ दिस वैक्सीन, जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस निमोनिया वैक्सीन है, निमोनोसिल. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मेकिंग ऑफ हिंदू पेट्रॉइट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जीज हिंद स्वराज. ऑथर ऑफ दिस बुक इज जेके बजाज एंड एम डी श्रीनिवास. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड मैं वीडियो में पॉज इसलिए ले रहा हूँ, आई वॉन्ट कि आप लोग इनके आंसर्स खुद कोशिश करें बताने की. हु हैज बीन कन्फर्ड विद डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, हेमंत कुमार पांडे इज द करेक्ट आंसर. विच इंडियन नेवल शिप हैज अराइव्ड, लाइक वियतनाम में ये पहुंची थी, रा रोंग पोर्ट जहां पे इन्होंने लाइक डिलीवर किया था 15 टन ऑफ रिलीफ मटीरियल फ्लड इफेक्टेड एरियाज में वियतनाम के. तो कौन सी नेवल शिप गई थी, INS किल्तन, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, अंडर मिशन सागर थर्ड. ओपो हैज एस्टैब्लिश्ड 5G इनोवेशन लैब इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर.
Which state has become the sixth state to complete ease of doing business reform? Exactly. Rajasthan is the correct answer. Who has become the first female president of Softball Federation of India? Neetal Narang is the correct answer for this question. Okay, Myanmar Navy has officially inducted submarine INS Siduve, जिसे इंडियन नेवी द्वारा इसे हैंडओवर किया गया था अक्टूबर मंथ में. सो इंडियन लाइक इंडियन नेवी द्वारा हैंडओवर किया गया था एंड म्यांमार नेवी ने इनको इस शिप को ऑफिशियली इंडक्ट किया. याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 100th किसान रेल को फ्लैग ऑफ किया. ओके फ्रॉम संगोला इन महाराष्ट्र टू शालीमार इन वेस्ट बंगाल वर्चुअली. ओके पद्मश्री अवार्डी एंड डांस हिस्टोरियन सुनील कोठारी पास्ड अवे, इनका निधन हो गया जी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिसाइडेड टू सेट अप फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून बाय द एंड ऑफ 2026? यूएसए इज द करेक्ट आंसर. विच स्टेट हैज वॉन डिजिटल इंडिया अवार्ड फॉर ट्रांसफरिंग मनी इन कोविड-19? बिहार इज द करेक्ट आंसर. ओके एक ऐप था बिहार सहायता मोबाइल ऐप जिसकी हेल्प से 21 लाख स्टैंडर्ड वर्कर्स तक फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड की गई. इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ बिहार भी आपको मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको एक ही साथ. ओके आईसीसी बैंक हैज अनाउंस्ड दैट इट इज कोलैबोरेटिंग विद गूगल टू इशू फास्ट टैग्स. तो आपको बताना है कि आईसीसी बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1994. India's first hot air balloon wildlife safari launched in which Indian state? Correct answer for this question is Madhya Pradesh. Badhavgarh Tiger Reserve में इसको उद्घाटन किया गया. Important current affairs of MP भी मिल जाएंगे आपको. Who is the author of In Pursuit of Justice and Autobiography? So author of this book is Justice Rajendra Sachar. Digital Ocean app is launched by. So this app has been launched by Dr. Harshvardhan ji. Luke Harper passed away. Related field आपको बतानी थी. तो ये wrestler थे जी. Which insurance company is in association with J&K government launched Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Sehat? तो कौन सा इंश्योरेंस कंपनी मिलके लाइक इसको इंप्लीमेंट करवाएगा? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस. इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज बीन सेट अप इन विच इंडियन स्टेट? जहां इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क बना, उत्तराखंड. ओके हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स कंसेप्चुअल अप्रोच? सो ऑथर ऑफ दिस बुक इज डॉक्टर स्तुति शर्मा. विच स्टेट हैज अप्रूव्ड धर्म स्वतंत्र that mean religious freedom bill? This has been approved by Madhya Pradesh. कोई किसी को forcefully like religion conversion नहीं करवा सकता, करवाएगा तो जेल में जाएगा. Which state has decided to integrate a special drug prevention policy? Himachal Pradesh is the correct answer. Assam cabinet has approved a bill to make which language an associate language of the state? Bodo is the correct answer. Which organization has announced the launch of COVID-19 vaccine market dashboard? UNICEF is the correct answer. Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri launched which portal mobile app on Good Governance Day? So correct answer is e-Sampada. The government has decided which state as disturbed state for 6 more months? Nagaland is the correct answer. And now a question again aapke liye. Okay, which state has won Digital India Award for transferring money during COVID-19? Ya abhi aapko recently bataya, iska answer bataiye kaun se state ne top kiya. And jo questions puche the starting mein unke answers ye aapke liye. Najib Tara ka ye Afghanistan ke player the, director general of Bureau of Civil Aviation banaye gaye hain, M.A. Ganapati banaye gaye hain. Okay, लाइक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10th ऑफ अक्टूबर को
न्यू चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खेरा एसबीआई के. ओके एंड मधु हुई पूरी बच ये सेबी की हैं फर्स्ट फुल टाइम मेंबर. कस्तूरी कॉटन नाम से जाना जाएगा प्रीमियम कॉटन हमारे इंडिया का. एंड पीयूष गोयल को एडिशनल चार्ज दिया गया. एंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है. सो गाइज डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. संडे है आज, इंजॉय कीजिए संडे को. सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपकी रिवाइज हो गए, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. एंड आज आपको फुल मंथ ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर का भी वीडियो मिलने वाला है. आई विल ट्राई कि बिफोर इवनिंग मतलब 4-5 बजे के बाद वीडियो को पब्लिश कर दिया जाए. वीडियो रेडी है पूरा, बस थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह रह गया उसमें. बट आई विल ट्राई कि मैं आज आपको बिफोर 3 PM उससे पहले ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा. PDF भी मिल जाएगा उसमें अराउंड 300+ क्वेश्चन, नॉट 300, उसमें अराउंड 400 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको. अगर स्टैटिक वाले भी इंक्लूड कर लोगे तो उसमें अराउंड आपको 700-800 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो जो रिविज़न में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ. थैंक यू, टेक केयर एंड एन्जॉय द संडे.